खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। मैं हूं अंशिका पाठक। ये बुलेटिन खास इसीलिए है क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जो अपने अपने राज्य की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, चाहे वो कोरोना वायरस को लेकर हो, चाहे वो प्रवासी मजदूरों को लेकर हो। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है, किस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, चाहे राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की हो या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर हम उनसे चर्चा भी करेंगे कि मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास, और ये सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार से रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष जुड़ गए हैं, जयपुर से अरविंद पालावत हमारे संवाददाता, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ राधा कृष्ण जुड़ गए हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ अन्य जगह से उत्तराखंड से सोनू सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी सोनू सिंह का। सोनू, उत्तराखंड की क्या बड़ी खबरें हैं और क्या लगता है किस पर सबसे ज्यादा आज नजर रहने वाली है? देखिए अंशिका, उत्तराखंड से आज तीन बड़ी खबरें रहने वाली हैं। एक तो ये है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज एक बैठक कर सकते हैं। अभी हालांकि उनका आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, और वो बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में जो विश्व प्रसिद्ध कुंभ है, वो कुंभ आयोजित होना है 2021 में। तो कुंभ को लेकर के जो स्थायी अस्थायी प्रवृत्ति के कार्य होने थे वो भी अधर में लटक गए हैं। तो कुंभ को किस तरह से आयोजित किया जाएगा, क्योंकि करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, देश के नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी के रूप में यहां पर कुंभ में आते हैं शामिल होने के लिए। तो कुंभ को लेकर के सरकार क्या डिसीजन लेने वाली है, एक तो इस पर हमारी आज दिन भर नजर रहेगी कि राज्य सरकार की रणनीति आखिर क्या होगी। इसके अलावा दूसरा जो है वो चारधाम यात्रा को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, लॉकडाउन 4 के बाद राज्य सरकार की क्या रणनीति रहने वाली है जो चारधाम यात्रा, क्योंकि उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है चारधाम यात्रा, ऐसे में इसको किसी भी रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है सरकार के स्तर से, इस पर हमारी आज दिन भर नजर रहेगी। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये है जो कोरोना से जुड़ा हुआ है। अब अभी तक राज्य स्तर पर जो प्रवासी है को लाने की कवायद की जा रही थी, और हजारों की तादाद में आ भी चुके हैं, और उत्तराखंड से तमाम जो लोग हैं उनको बाहरी राज्यों में भेजा भी जा चुका है। कल और परसों यानी आने वाले 29 और 30 तारीख को जो है वो नेपाल से 586 प्रवासियों को लाया जाएगा, और उत्तराखंड के नहीं बल्कि जो अन्य प्रांतों के लोग हैं उनको पहले नेपाल से बनबसा लाया जाएगा, और उसके बाद बनबसा से फिर अन्य राज्यों में उनको भेजा जाएगा। तो आज ये तमाम खबरें उत्तराखंड से रहने वाली हैं। आज के एजेंडे में उत्तराखंड के यही है, और हमारे दिन भर इन्हीं पर लगातार नजर बनी रहेगी। मेरा सवाल, उत्तराखंड में लगातार जो आग लगी हुई है जिसके चलते बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, कई सारे संख्या में जमीन ऐसे है जिनका नुकसान हो रहा है लगातार, उसको लेकर क्या जानकारी मिली? लगातार हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तराखंड के लिए ये मना रहे हैं कि ये आग किसी तरह काबू में आए। देखिए, चूंकि मौजूदा समय में जो है वो फायर सीजन चल रहा है, ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड से हम मान सकते हैं, क्योंकि बेश कीमती वन संपदा जो है वो लाखों की करोड़ों की खाक हो जाती है जलकर, और ऐसे में जब तापमान अपने पूरे चरम पर हो, और खास तौर पर जब वन्य क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हो, तो सरकार और खास तौर पर जो वन महकमा है वो लगातार मुस्तैद होने के दावे कर रहा है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे जो भ्रामक प्रचारित किया जा रहा है आग की घटनाओं को लेकर के, जो संदेश दिया जा रहा है, जो खबरें प्रसारित की जा रही है, इसको लेकर के न सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बल्कि मुख्यमंत्री के साथ साथ पुलिस विभाग, वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ तौर पर ये संदेश दिया है कि यदि लोग सोशल मीडिया पे इस तरीके की भ्रामक खबरें प्रचारित करते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर मुकदमा किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो जो आग की घटनाएं हैं वो पिछले साल के अनुपात में इस बार कम हुई है, जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन ये है कि आग की घटनाएं प्रदेश में है और वन संपदा जो है वो नष्ट हो रही है, इसको बचाने की कवायद में फॉरेस्ट विभाग जुटा हुआ है। तो कोशिश ये की जा रही है कि भ्रामकता ना फैलाई जाए और आग की घटनाओं पर काबू किया जाए। जी अंशिका, यही अपील है
कि ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसे भड़काऊ पोस्ट बिल्कुल भी ना डाले, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील वक्त है और इसको इसी तरीके से देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अरविंद पलावत हमारे साथ लगातार जुड़े हैं राजस्थान से, मैं उनकी तरफ रुख करूंगी। अरविंद, क्या बड़ी खबरें राजस्थान की है और किस पर आज नजर रहेगी? बिल्कुल, देखिए राजस्थान की बड़ी खबरों की बात की जाए तो पूरा जो राजस्थान है वो कोरोना की जद में है, यानी कि 33 के 33 जिलों में कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। एकमात्र जिला बचा था बूंदी, उसमें भी कल एक जो युवती है वो पॉजिटिव आई। ये युवती जो है मुंबई से यहां पर पहुंची थी और उसके बाद में जब उसकी स्क्रीनिंग की गई, उसकी टेस्टिंग की गई, PCR टेस्ट किया गया तो उसके अंदर वो पॉजिटिव आई है। तो ऐसे स्थिति में अब पूरा राजस्थान कोरोना की आगोश में है, पूरे राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स अब आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, और माइग्रेंट्स की यदि बात करें तो अब तक 2,114 जो केसेस हैं वो माइग्रेंट्स के हैं, और टोटल यदि केसेस की बात करें राजस्थान में तो 7,816 मामले यहाँ पर हैं। हालांकि एक राहत की बात इसे जरूर कहा जा सकता है कि 4,562 जो लोग हैं कोरोना पॉजिटिव थे वो नेगेटिव आ चुके हैं, और उनमें से करीब 3,913 को यहाँ पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार राजस्थान में बढ़ रहा है और 173 लोगों की अब तक कोरोना से यहाँ पर मौत हो चुकी है। साथ ही बूंदी एकमात्र ऐसा शहर था जो यहाँ पर बचा हुआ था, तो वहां पर किस तरह से पॉजिटिव सामने आया, तो उसके बाद अब तो लगातार केसेस सामने आ रहे हैं राजस्थान से भी। अरविंद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दोबारा संपर्क साधेंगे। फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। रेजिडेंट एडिटर बिहार से श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ बने हैं। श्रीकांत, बिहार में क्या स्थिति है इस वक्त, और लॉकडाउन 4 को खत्म होने में महज 3 दिन बाकी है, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या अभी जरूरत है वहां पर लॉकडाउन और बढ़ाया जाए? प्रवासी मजदूरों को लेकर क्या अपडेट है श्रीकांत? देखिए, पहले देश स्तर पर कुछ बात कर लेते हैं। अभी आप देखिए पूरे देश की राजनीति पर कोरोना का असर दिख रहा है, देश की राजनीति सिमट गई है, उसके दो ही केंद्र बन गए हैं, एक PMO और एक CMO। केवल PM काम करते हुए दिख रहे हैं और राज्यों के CM काम करते हुए दिख रहे हैं। PM के पास सुविधा है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, CMO के पास सुविधा है, लेकिन बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनके पास उतनी सुविधा नहीं है हाईटेक कि वो ऑनलाइन ऑपरेट कर सकें। कहीं पर किसी को लॉकडाउन की वजह से धरना प्रदर्शन रैली करने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन बिहार की राजनीति थोड़ी इतर है, अलग है, क्योंकि पूरे देश भर में लॉकडाउन की वजह से राजनीति पूरी तरह से शिथिल हो गई है। कहीं पर विरोध प्रदर्शन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार में राजनीति परवान चढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद होना है। गोपालगंज में तिहरे हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव सरकार पर बहुत हमलावर हैं और उन्होंने मार्च करने का ऐलान किया है, गोपालगंज मार्च। और गोपालगंज मार्च करने के उनके ऐलान के बाद JDU के जो हत्याकांड के आरोपी विधायक हैं पप्पू पांडे, उन्होंने भी गोपालगंज से पटना मार्च करने का ऐलान कर दिया है। तो इस तिहरे हत्याकांड को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। उपेंद्र कुशवाहा कल भी प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को लेकर अपने दफ्तर के बाहर धरना पर बैठे, उन्होंने कहा कि मजबूरी है, उन्हें लॉकडाउन तोड़कर धरना देना पड़ रहा है। तो पूरे देश की राजनीति का जो स्वरूप है वो बदल गया है, आप देख ही रही हैं। केवल PM काम करते हुए दिख रहे हैं, CM काम करते हुए दिख रहे हैं, किसी भी राज्य का कोई दूसरा मंत्री दिख ही नहीं रहा है, आपदा मंत्री कौन है किसी को पता ही नहीं है। लेकिन अब बिहार के बारे में आपको बता दूं कि बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला जारी है, रोज 1.5 लाख 2 लाख प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। आज महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा ट्रेनें आ रही हैं और खबर है कि 1,25,000 से ज्यादा प्रवासी ट्रेनों से महाराष्ट्र के जरिए आज बिहार पहुंच रहे हैं। आपको पता है कि महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है, वहां से आने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं वो ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो सरकार उसको लेकर विशेष तैयारी कर रही है। और बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,000 के पार हो गई है, 3,036 पर कल शाम तक आंकड़ा पहुंच गया है। तो बिहार सरकार परेशान है, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिन भर कोरोना के संक्रमण को लेकर, उसकी तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्होंने कई बातों को लेकर नाराजगी भी जताई कि जितने वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए वो मार्च से कह रहे हैं व्यवस्था करने की, लेकिन स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पाया है। तो मुख्यमंत्री काफ़ी सतर्क हैं, सजग हैं और लगातार क्वारंटाइन सेंटरों की समीक्षा भी कर रहे हैं। और इस बीच खबर ये आई है कि
जो CBSE के छात्र हैं 12वीं कक्षा के, जिनकी कुछ परीक्षाएं छूट गई थी बीच में, उनकी परीक्षा फिर से लेने की तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय ने बहुत राहत दी है, जहां पर हैं छात्र वहीं से परीक्षा दे सकते हैं, अपने गृह जिले से परीक्षा दे सकते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी राहत मिली है। और पटना में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, यहाँ पर पुल निर्माण निगम का काम चल रहा था बेली रोड पर, जहाँ पर JCB के जरिए बोल्डर हटाए जा रहे थे और उस बोल्डर में दबकर 3 बच्चों की मौत हो गई है। तो काफ़ी बवाल हुआ 3 बच्चों की मौत को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है और जो पीड़ित परिवार हैं उनके परिजनों के लिए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। तो बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, घटनाएं लगातार आ रही हैं। आपको पता ही है कि ट्रेनों से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनकी यात्रा बहुत आसान नहीं है, ट्रेनों में AC नहीं है, ट्रेनें में गर्मी का मुकाबला करना पड़ रहा है, ट्रेनों में गर्म पानी उपलब्ध है, उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, खाने पीने की सुविधा जितनी होनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। और इस वजह से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रवासी मजदूर ट्रेनों में अब तक 7 दम तोड़ चुके हैं। तो स्थिति विकट होती जा रही है। और हम ब्रेक के बाद बात करेंगे झारखंड में क्या है कोरोना का संक्रमण का हाल, क्योंकि वहां से कई बड़ी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। इन सबके बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के उस पर और भी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हैं जो अपने अपने राज्य की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप सतर्क रहें और सावधान रहें आने वाले समय के लिए। यूपी से राधाकृष्ण ब्यूरो चीफ हमारे लगातार बने हैं। राधाकृष्ण, उत्तर प्रदेश से क्या बड़ी खबरें हैं, किस पर आज नजर रहेगी? अंशिका, सबसे पहले कोरोना की बात करें तो कोरोना के आज नए मरीज 294 आए हैं और उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7000 को पार कर गई है और 182 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन जो इसमें चिंता का विषय ये है कि जो कोरोना पॉजिटिव की ज़्यादातर संख्या अब ग्रामीण इलाके से आ रही है, खास करके उन इलाकों से जहां प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं। और एक बड़ा संकट जो कोरोना का साइड इफेक्ट जो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है वो ये कि जो लोग बाहर से पहुंच रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर अपने घरों को पहुंच रहे हैं, भले वो क्वारंटीन पूरा करने के बाद भी जो घरों को पहुंच रहे हैं, तो घर वाले परिवार वाले उनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको घरों में उस तरह की वो नहीं दी जा रही प्रवेश जैसे कि एक सामान्य तौर पर एक परिवार के सदस्य को दी जानी चाहिए। ऐसे बहुत सारी खबरें आ रही हैं प्रदेश भर से, कई जिलों से, कि जो क्वारंटीन पूरा कर चुके हैं मजदूर या क्वारंटीन सेंटर से आए हैं उनको बाकायदा वहाँ से भेजा गया है कि इनका क्वारंटीन पूरा हो गया है या इनकी जाँच हो गई है, उनको भी घर वाले बाहर रख रहे हैं, अलग रख रहे हैं। कई ऐसे गांव में वो त्रिपाल या इस तरह के पंडालों में रह रहे हैं। तो इस तरह का जो मौसम है, इतना टेम्परेचर 48 डिग्री तक उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर पहुंच रहा है, ऐसे में जो त्रिपाल में या छप्पर में या पेड़ के नीचे जीवन काट रहे हैं, ये एक मतलब बड़ा दुखदायी वो सामने आ रहा है। और इस तरह खबरें लगातार आ रही हैं कई जिलों से, खासतौर से छोटे जिले हैं जहाँ प्रवासी मजदूर पहुँच रहे हैं। और कोरोना के अलावा जो बात करते हैं अंशिका, अब मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरे हो रहे हैं, तो 30 तारीख से BJP पूरे देश में अभियान चलाने जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश उसके लिए खास है। उत्तर प्रदेश में BJP एक तरह से अब जो 30 तारीख का अभियान है जो मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेके जा रही है, उसमें 6 वर्चुअल रैलियां उत्तर प्रदेश में होनी है। और इसके अलावा जो उनके कार्यकर्ता हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो घर घर दस्तक देंगे, और इसके लिए BJP ने बाकायदे इसके नियम बनाए हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता जाएंगे दरवाजे पे दस्तक देंगे और 2 लोग जाएंगे मास्क के साथ जाएंगे, उनको मास्क बांटेंगे प्लस मोदी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उनका पत्र सौंपेंगे। एक संकल्प पत्र तैयार किया गया है BJP की तरफ से जो घर घर पहुंचाया जाएगा। तो एक तरह से ये जो पूरे मोदी सरकार के जरिए 1 साल पूरे होने के जरिए BJP एक तरह से उत्तर प्रदेश में प्रचार मोड में, चुनाव मोड में आ गई है। एक तरह से आक्रामक जो उनकी चुनाव रणनीति हुआ करती है, चूंकि 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और 6 महीने बाद पंचायत चुनाव है, BJP इस बार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर है और पंचायत चुनाव में पार्टी अपने सिंबल पे कैंडिडेट उतार सकती है। लिहाजा इसको लेकर के जिस तरह की तैयारियां की जा रही है
वो काफी तेजी से वो हो रही है और उसको लेकर विपक्ष भी अब एकदम से उसमें आगे एक्शन में है, एक्शन मोड में है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी, तो सब ने एक तरह से एक उत्तर प्रदेश में एक सियासत आप देखेंगे अगले 2 से 3 दिन में जो सियासी पारा है वो और चढ़ेगा। और इसके बीच चूंकि प्रवासी मजदूरों का मुद्दा बहुत गर्म है, प्रवासी मजदूरों के रोजगार, उनके भरण पोषण, उनके आवास को लेकर के दोनों तरफ से वो चल रही है। एक तरफ सरकार जहाँ उनके उनको निःशुल्क आवास की घोषणा कर चुकी है, उनके रोजगार को लेकर निरंतर वो है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ही आवाज उठा रहा है कि छोटे दुकानदार, छोटे उद्योग, जो छोटे उद्यमी थे उनकी स्थिति बहुत बदतर है। तो एक ये बड़ा वो होगा जी बिल्कुल। तो ये महत्वपूर्ण खबरें थी क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने साझा की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।